नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब देश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण होगा उस मुलाकात का जिसे भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। वहीं बात करेंगे पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत की, जिससे खाकी फिर एक बार सवालों के घेरे में है, सियासत उस पर हो रही है। वहीं बात करेंगे फिल्म पठान की, जिसके विरोध की आग थमने का नाम नहीं ले रही, और बेशर्म रंग पर सियासत खुलेआम हो रही है। साथ ही बात करेंगे मायावती की, जिनकी पार्टी ने मुस्लिम वोट के लिए कसरत शुरू कर दी है, लेकिन देश की राजधानी का पारा उस वक्त चढ़ गया जब 50,000 किसानों ने रामलीला मैदान को भर दिया। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात सबसे पहले इरफान से मिले अखिलेश 24 के लिए MY संदेश, क्योंकि 17 दिन बाद अखिलेश यादव को अपने विधायक इरफान सोलंकी की याद आई, जहां अखिलेश ने जेल में जाकर विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात की तो सूबे की सियासत गर्म हो गई। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया और कह दिया कि अखिलेश को आखिर इतनी देर बाद याद क्यों आई, क्योंकि इरफान सोलंकी 2 दिसंबर से जेल में बंद है। अब सवाल बड़ा है कि क्या इरफान सोलंकी से हुई इस मुलाकात के पीछे मुस्लिम वोट का हित छिपा है? क्या वाकई अखिलेश इरफान सोलंकी के मामले में आजम खान वाली गलती करने से बचना चाहते थे? ये रिपोर्ट देखिए। इरफान से मिले अखिलेश 24 के लिए MY संदेश। समाजवादी पार्टी कानूनी लड़ाई में उनके साथ है, हर तरीके से साथ है। विधायक के लिए लाल संग्राम, अखिलेश का आंदोलन वाला पैगाम। लगातार विरोध चलता रहेगा और समाजवादी पार्टी को अगर आंदोलन का भी रूप लेना पड़ा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयार रहे, आंदोलन भी छिड़ेगा। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव ने अपने किसी विधायक के लिए इस तरह खुलकर आवाज उठाई है, क्योंकि जब आजम खान जेल में बंद थे तो अखिलेश पर कई बार सवाल उठे थे, लेकिन सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में अखिलेश यादव ने किसी को बोलने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि अखिलेश ने न सिर्फ जेल जाकर इरफान सोलंकी से मुलाकात की बल्कि इरफान सोलंकी के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने का ऐलान भी कर दिया। समाजवादी पार्टी कानूनी लड़ाई में उनके साथ है, हर तरीके से साथ है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं समाजवादी लोग और आपके से ये कहना चाहते हैं, लगातार साजिश है कि समाजवादियों को परेशान करो, उन्हें जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी 2 दिसंबर से कानपुर की जेल में बंद है। उन पर एक महिला की जमीन को कब्जाने की नियत से आग लगाने का आरोप है, लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात की, भाजपा उसे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति बता रही है। केवल मुस्लिम समाज को भ्रमित करने के लिए वोट बैंक उनका बना रहे, मजबूत रहे, इसके लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो भयभीत है। अगर अखिलेश जी आजम खान साहब को देखने रामपुर जेल भी गए थे, सर गंगाराम अस्पताल में भी गए थे, इरफान सोलंकी हमारे MLA हैं और उनको भी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया, तो उनकी तकलीफ को शेयर करने अगर वो चले गए हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो तकलीफ किस बात की है इसमें? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर पहुंचे और जेल में बंद इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी से मुलाकात की। इरफान सोलंकी से बातचीत करने के बाद वो बाहर निकले और मीडिया को ब्रीफ किया। इस दौरान एबीपी गंगा ने उनसे उन पर लग रहे आरोपों पर सवाल किया। सबसे पहला सवाल MY कॉम्बिनेशन को था, यानी मुस्लिम तुष्टिकरण का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उस पर। लेकिन इस सवाल को सुनते ही अखिलेश यादव उखड़ गए और सीधे तौर पर कहा कि मैनपुरी और तमाम उपचुनावों के रिजल्ट को देखकर ये बात नहीं कही जानी चाहिए। मतलब एकदम साफ है कि अखिलेश नहीं चाहते कि मुस्लिम मोर्चे पर कोई उन्हें चुनौती दे, क्योंकि पहले सिर्फ बसपा उन्हें टक्कर देती थी, लेकिन अब भाजपा भी पसमांदा वोट के जरिए उन्हें टक्कर दे रही है। यही वजह है कि अखिलेश न सिर्फ खुलकर इरफान सोलंकी के समर्थन में उतर आए हैं, बल्कि जो नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी जवाब दे दिया है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अखिलेश का ये दांव UP के मुसलमानों को क्या एकजुट कर पाएगा, क्योंकि आने वाला निकाय चुनाव मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।
तो मुलाकात हो गई है, सियासी सवाल उठे, लेकिन चलिए आपको हम बताते हैं कि अखिलेश और उफान की जेल वाली मुलाकात के मायने क्या है। मुस्लिम वोट खिसकने की टेंशन, मुस्लिम बाहुल्य रामपुर में चुनाव हारे तो ये टेंशन और बढ़ गई, तो इसलिए मिलना जरूरी था। कई मुस्लिम नेताओं का पार्टी छोड़ना भी इसके पीछे की वजह है, और मुस्लिम नेताओं के लिए आवाज न उठाने के आरोप जो लगातार लग रहे थे वो भी वजह है। भाजपा का पसमानदा सम्मेलन, क्योंकि जो भी मुस्लिम वोटर हैं 80% उसमें पसमानदा है, और यही टारगेट रामपुर में भाजपा ने किया भी था। बसपा का दलित मुस्लिम गठजोड़ पर जो फोकस है वो भी इस बात के लिए मजबूर कर गया अखिलेश को कि वो इरफान सोलंकी से मिले। हालांकि सपा की दलील ये है कि वो हमारे विधायक हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। और अब बात पुलिस कस्टडी में हुई बलवंत सिंह की मौत की, जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। आज अखिलेश यादव ने मृतक बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ की मदद करने की बात कही, तो वहीं सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौत अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई। वहीं राजनीति गरमाने के बाद कार्रवाई में तेजी आई है, पुलिस ने शिवनी कोतवाल राजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इंसाफ बाकी। पुलिस कस्टडी में मौत, बलवंत का गुनहगार कौन? अखिलेश ने उठाए सवाल, बलवंत की मौत पर सियासत ला। और ये पहली मौत नहीं है, ये कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में पहली नहीं हुई है, इससे पहले भी कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म है, फिर एक बार खाकी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में हुई बलवंत सिंह की मौत के मामले में सियासत उबाल मार रही। विपक्ष लामबंद होकर न सिर्फ पुलिस पर बल्कि सूबे की योगी सरकार पर निशाना साध रहा, और अब अखिलेश यादव ने जिस तरह से मृतक के परिजनों से मुलाकात की उससे राजनीति और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, लेकिन सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता, सीबीआई जांच की मांग और पीड़िता की पत्नी शालिनी को सरकारी नौकरी देने की मांग भी कर डाली। मैंने मांग की है कि बलवंत सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद हो, उनकी पत्नी शालिनी सिंह पढ़ी लिखी हैं, उन्हें सरकारी नौकरी मिले, जांच वो सीबीआई चाहती हैं या सिटिंग जज उनकी निगरानी में जांच हो। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने पुलिस कस्टडी में हो रही मौत के लिए सरकार के फेलियर को जिम्मेदार बता दिया। उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है, जो सरकार ये कहे राम राज्य हम लाएंगे, क्या राम राज्य में इसकी जगह है कि पुलिस तय करेगी कि क्या करना है? क्या राम राज्य में ये तय करना, पुलिस को खुली छूट देना, ये किसने अधिकार दिए हैं? पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो चुके इस मामले में अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, बलवंत की पत्नी, उसके पिता, उसके बच्चों से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की पीठ थपथपाई जाती है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है ऐसा सरकार और सरकार के मंत्रियों द्वारा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले आगरा में अरुण वाल्मीकि, गोरखपुर में मनीष गुप्ता की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। यही वजह है कि इस बार बलवंत सिंह की मौत के बाद सियासत गर्म है, क्योंकि मृतक का परिवार सरकार पर भरोसा तो जता रहा लेकिन कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहा। माननीय जी ने यही आश्वासन दिया हमको कि हम हमारी पार्टी की तरफ से जो होगा वो देंगे और मतलब आपको होगा, और उसके बाद हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, और आश्वासन दिया कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो हो सकेगा करा। 6 तारीख को FIR लिखाई जाती है, उसमें 12 तारीख को आप एक व्यक्ति को उठा करके पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं, और एक हत्या के मुकदमे में अभी तक जो है आपने 4 लोगों को पकड़ा है और उनको रिमांड में लेकर कोई तथ्य खुलकर अभी सामने नहीं आए। हालांकि कार्रवाई के नाम पर थाना प्रभारी शिवली राजेश सिंह, रनिया थाना प्रभारी शिव प्रकाश सिंह, मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडे, दारोगा संपत सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, सिपाही महेश गुप्ता, SOG प्रभारी प्रशांत गौतम, SOG के आरक्षी जय कुमार, सोनू यादव, अनूप कुमार और दुर्गेश कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बात निलंबन से खत्म हो जाएगी या फिर इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि एक परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया है, जिसके घर का चिराग हमेशा के लिए
बुझ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भगवा पर जुबानी जंग, सियासत का बेशर्म रंग, क्योंकि कल जयंत चौधरी ने पीएम मोदी पर एक विवादित टिप्पणी की। इस पर अब भाजपा ने जयंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन नया विवाद सपा के सांसद एसटी हसन के बयान से गर्मा गया है, जिन्होंने भगवा को लेकर ऐसी बात कह दी कि भाजपा को पूरी तरह चुप गई। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि फिल्म के विरोध से शुरू हुई बात कहां तक पहुंच गई। भगवा पर जुबानी जंग, सियासत का बेशर्म रंग। जयंत के बयान पर सियासी तूफान, सपा सांसद के बयान पर सियासी संग्राम। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने, ये दरवाजे पर चटकरी लगा के अकेले जब कमरे में होते कैसी तस्वीर देखते पता लग गया था। भगवा रंग के अंडरवियर क्यों पहनते हैं कांवड़िए? फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने पर शुरू हुआ विरोध अब सियासी हो गया है, क्योंकि कल तक तो सिर्फ साधु संत इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब बेशर्म रंग की लड़ाई राजनीतिक दलों के बीच छिड़ गई है। इसमें जयंत चौधरी के पीएम मोदी पर दिए उस बयान ने आग में घी डालने का काम किया, जिसको लेकर अब भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने, लानत है, ये दरवाजे पर चटकरी लगा के अकेले जब कमरे में होते कैसी तस्वीर देखते पता लग गया था इसको। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर रालोद के अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी के द्वारा जिस प्रकार से एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है और अभद्र टिप्पणी की है, तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जी की मानसिकता के तौर पर उसका पढ़ाई लिखाई और शिक्षा की भी कहीं कमी रही है। या वो लोग हैं जो सत्ता पाने हेतु वोट बैंक के लालच में कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने स्वर्गीय बाबा के लिए भी यदि इन शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। निश्चित रूप से या चाहे यह हो चाहे अखिलेश हो, जिस प्रकार से आज इस देश में एक एजेंडे का जो समर्थन कर रहे हैं, वह एजेंडा वह सिनेमा एक पिछले कई वर्षों से जिस एजेंडे में लगा है आज वह एजेंडा धीरे धीरे उजागर हो रहा है। वही भाजपा के चौतरफा हमले के बाद रालोद भी जयंत के बचाव में उतर आई है। टिप्पणी करने वाले भाजपा के नेता उस वक्त कहां थे जब हमारे किसान भाई एक साल तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, हमारे किसान भाई शहीद हो गए, लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निहत्ते उस परिवार से हाथरस की बेटी के परिवार से मिलने जा रहे थे उस पर लाठियां, उन पर लाठियां बरसाई गई। बीजेपी जयंत के जुबानी वार पर ताबड़तोड़ पलटवार कर रही है और जयंत चौधरी को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूक रही है। हालांकि अपने मुखिया को घिरता देख आरएलडी के नेता भी जयंत की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों से चल रही है कि जरा सी चूक ने बीजेपी को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया है। लेकिन पठान फिल्म को लेकर छिड़ी ये बहस खत्म होने की जगह बढ़ती जा रही, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर आई है और सपा सांसद एसटी हसन ने भगवा रंग को लेकर ऐसी बात कह दी जो भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर को बुरी तरह चुभ गई। भगवा रंग के अंडरवियर क्यों पहनते हैं कांवड़िए? हमारी भगवा रंग की तौलियां क्यों पड़ी होती हैं कुर्सियों के ऊपर, उससे हम अपने हाथ पैर पोंछते हैं? रंग किसी की जागीर नहीं है, रंग तो रंग है, कोई भी किसी रंग में कुछ भी कर सकता है। चंद जी को पता नहीं क्या हो गया है, वो चौधरी चरण सिंह जी जिनको पूरा देश मानता किसान नेता के रूप में भी, और उनका जो व्यक्तित्व था जो उनका करेक्टर था, लेकिन जयंत जी एक इतने बड़े क्रिमिनल्स को टिकट दे करके और जिस तरह का उन्होंने वहाँ प्रचार करके जिताया, उस तरह से ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा वो निर्णय लेंगे जो कोई नहीं ले सकता था, इसी तरह से अगर ये बयान दिया है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि एक फिल्म उसके किरदार के पहने किसी रंग के कपड़े को मुद्दा बनाना सही है, क्योंकि अक्सर ऐसी बातों के बीच में दूसरे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मुस्लिम वोट की हसरत। बसपा ने शुरू की कसरत, क्योंकि जो मुस्लिम दलित गठजोड़ भाजपा की सबसे बड़ी ताकत थी, अब उसी ताकत को फिर से एकजुट करने में बसपा लग गई। बसपा का पूरा जोर मुस्लिम वोट पर है, क्योंकि आज बसपा नेता इमरान मसूद ने
सपा पर जमकर निशाना साधा और आजमगढ़ उपचुनाव की दुहाई देते हुए कहा कि अगर मुस्लिमों ने बसपा को वोट दिया होता तो तस्वीर बदल सकती थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बसपा सपा के मुस्लिम वोट में सेंध लगा पाई। मुस्लिम वोट की हसरत, बसपा ने शुरू की कसरत। आजमगढ़ चुनाव की दुहाई, हाथी दलित मुस्लिम एकता याद आई। अगर वो 40% वोट जो गुड्डू जमाली को मिला था वो 80% हो गया होता तो गुड्डू जमाली जीत गया था ना। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर कोर्ट की सुनवाई जैसे जैसे नजदीक आ रही, मुस्लिम वोट की सियासत तेज होती जा रही, क्योंकि जो बसपा विधानसभा चुनाव के वक्त ब्राह्मणों को रिझाने में लगी थी वो बसपा अब निकाय चुनाव से पहले मुस्लिम वोट को एकजुट करने में जुटी है। और इसके लिए बसपा की तरफ से इमरान मसूद ने मोर्चा संभाल लिया है, जो कुछ ही दिन पहले सपा का साथ छोड़कर बसपा में पहुंचे हैं। जिनकी माने तो दलित मुस्लिम अगर एक हो गए तो सबके गणित बिगड़ जाएंगे। हम जो बात कह रहे हैं कि दलित और मुसलमान एक हो जाए और दलित और मुसलमान के बाद फिर अगड़े और पिछड़े सब लोग हमारे साथ चल जाएंगे, तो हम उसी समीकरण को साधने में लगे। मुस्लिम वोट को जोड़ने के लिए इमरान मसूद आजमगढ़ उपचुनाव की दुहाई दे रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अगर मुस्लिमों ने बसपा को वोट दिया होता तो गुड्डू जमाली सांसद होते। अगर गुड्डू जमाली को 80% मुसलमान ने वोट दिया होता तो गुड्डू जमाली MP होता, बीजेपी थोड़ी ना जीत रही थी। यानी आप कह रहे हैं, अपने समाज से कह रहे हैं कि साथ आए। बिल्कुल कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप भाजपा से ईमानदारी के साथ, चूंकि भाजपा के साथ हमारे जो वैचारिक मतभेद हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि भाजपा के साथ लड़ाई लड़नी है तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं। दरअसल लगातार मायावती भी इसी कोशिश में है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रखा जाए। कई बार ट्वीट के जरिए भी जब वो दूसरे दलों पर निशाना साधती हैं तो उसमें भी मुस्लिम समाज का जरूर जिक्र होता है। और अब इमरान मसूद भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिमों का अगर कहीं पर हित सुरक्षित है तो वो बहुजन समाज पार्टी में ही है। लेकिन इमरान मसूद यही नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम वोट के साथ साथ एक तंज अखिलेश यादव और शिवपाल के रिश्तों पर भी किया, जिसमें इमरान मसूद ने शिवपाल की तो तारीफ की लेकिन अखिलेश पर खूब निशाना साधा। चाचा को पहले छला था, चाचा को आगे छलेंगे। और मैं तो चाचा को ये बात बता चुका हूँ, चाचा बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और बेहतरीन इंसान हैं और रिश्तों को निभाते हैं। रिश्तों के निभाने में फिर एक बार जाल में आ गए रिश्तों के, तो अब चाचा जाने और भतीजा जाने, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं। इमरान मसूद का कहना है कि उन्होंने चाचा शिवपाल यादव से जब बात की थी तो ये पहले उन्हें बता दिया था कि किस तरीके से उनके साथ छल किया गया है और आगे भी छल ही होगा। इमरान मसूद साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शिवपाल यादव अच्छे इंसान हैं और वो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं। गौरतलब है कि बसपा मुस्लिम वोट में सेंध लगाकर सपा का खेल खराब करना चाहती है और अपने मुस्लिम दलित गठजोड़ को निकाय चुनाव से पहले मजबूत कर लेना चाहती है, क्योंकि इसी वोट के दम पर मायावती 4 बार UP की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन समय के साथ ये गठजोड़ टूटता चला गया, मुस्लिम सपा की तरफ चले गए तो दलित वोट का झुकाव भाजपा की तरफ होगी। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2022 में बसपा को सिर्फ 12.88% वोट ही मिले। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या बसपा फिर से दलित और मुस्लिम वोट को एक साथ जोड़ पाएगी। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात किसानों की हुंकार की। एक साल में दूसरी ललकार, क्योंकि आज फिर एक बार देश की राजधानी किसानों के शोर से गूंज रही है। फिर एक बार दिल्ली में किसान जुटे हैं। हालांकि सरकार के लिए राहत इस बात की है कि जो किसान संगठन विरोध कर रहा है वो RSS का सहयोगी माना जाता है, लेकिन तेवर उसके कड़े हैं, जिसने ऐलान कर दिया है कि सरकार भले ही भाजपा की हो, अगर मांग नहीं मानी तो आंदोलन शुरू हो जाएगा। रामलीला मैदान में किसानों की हुंकार, एक साल दूसरी ललकार। एक साथ जुटे 50,000 किसान, क्या आने वाला है तूफान। एक साल में दूसरी बार है जब किसानों ने फिर एक बार देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच किया है। हालांकि इस बार मोर्चा भारतीय किसान यूनियन ने नहीं बल्कि RSS के सहयोगी संगठन भारतीय किसान संघ ने खोला और दिल्ली के रामलीला मैदान 50,000 से ज्यादा किसानों से भर दिया।
अगर बात करें तो चार प्रमुख मांगों में सबसे प्रमुख मांग रही है कि एमएसपी की बढ़ोतरी की जाए, इसके साथ साथ किसान के जो उपकरण है उससे जीएसटी हटाई जाए, और जो किसान सम्मान निधि है उस पर बढ़ोतरी की जाए, और जो चौथी और आखिरी मांग थी कि जीएम फसलें जो हैं उसकी अनुमति पर रोक लगाई जाए। इन मांगों को लेकर के आज भारतीय किसान संघ ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया, जहाँ देश भर से तकरीबन 50,000 से 55,000 किसान आए और उनके बीच में यह प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि आरएसएस के सहयोगी माने जाने वाले भारतीय किसान संघ ने चार मांगों को लेकर हुंकार भरी, जिसकी पहली मांग है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाए, दूसरी मांग है कि कृषि संसाधनों में जीएसटी हटाई जाए, और तीसरी मांग है एमएसपी बढ़ाई जाए, जबकि चौथी मांग जीएम क्रॉप्स की अनुमति वापस लेने की है। मतलब भारतीय किसान संघ अपनी मांग की पूरी लिस्ट बनाकर दिल्ली पहुंचा है, जिसने ऐलान कर दिया है कि भले ही केंद्र में भाजपा की सरकार हो लेकिन किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। किसान होगा वहाँ भारतीय किसान संघ लगातार संघर्ष और आंदोलन करता है, हर स्तर पे करता है। इस आंदोलन में भी हम ग्राम इकाई से लेकर दिल्ली तक आए हैं। किसानों के भारत के किसानों की समस्याएं तब तक हल नहीं होंगी जब तक उसकी जड़ के ऊपर और उसका निदान नहीं किया जाता, और उसके लिए है उनकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य जब तक नहीं मिलता तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो क्या भारतीय किसान संघ आंदोलन करेगा, क्योंकि इससे पहले एक आंदोलन देश देख चुका है जो करीब 378 दिन तक चला था, जो तीन कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था और कानून रद्द होने पर ही खत्म हुआ था। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और अब बात शिक्षा के मंदिर में हुए गोलीकांड की, क्योंकि आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सुरक्षा गार्ड और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान सुरक्षा गार्डों द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई जिसमें कई छात्र घायल हो गए। ये तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज की है। यहाँ एक तरफ गंगा दूसरी तरफ यमुना है। इसी संगम नगरी में शिक्षा का बड़ा मंदिर भी है जो इस वक्त विरोध की आग में जल रहा है। क्योंकि यहाँ सोमवार को छात्रों और सुरक्षा गार्डों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आग पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में फैल गई। इस दौरान सुरक्षा गार्डों द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई जिसमें कई छात्र घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक इस बवाल में पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक का सिर फट गया। छात्रों का आरोप है कि सुरक्षा गार्डों ने उन पर कई राउंड फायरिंग की। यहाँ पत्थरबाजी हुई है, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों में पटक आई है, 20-20 गोलियां चलाई गई है। गार्ड गोली कैसे चलाए हैं, गार्ड को तुरंत तत्काल उसके कार्रवाई हो। लेकिन जब लड़ाई की खबर स्थानीय प्रशासन को मिली तो तुरंत डीएम और कमिश्नर मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने उग्र हुई इस लड़ाई को न सिर्फ शांत कराया बल्कि विरोध कर रहे छात्रों को समझाने की भी कोशिश की। लेकिन अब कैंपस में हुए गोलीकांड को लेकर सियासत शुरू हो गई है। यहाँ पर 4 गुना फीस बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन चल रहा था, और ये बाइक एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर और सामने गेट नंबर 1 जो है वहाँ से भी कुछ धुआं निकलता दिखाई दे रहा है, यानी उस तरफ भी आगजनी की गई है। इधर जो है वो छात्रों को समझाने की कोशिश पुलिस के लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। गौरतलब है कि छात्र 4 गुना फीस के विरोध में 5 सितंबर से विरोध कर रहे हैं। शुरुआत में ये विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हुआ लेकिन अब ये हिंसक हो चला है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।